हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भारतीय नौसेना की एक पायलट अचानक सुर्खियों में छा गई हैं। नाम है शुभांगी स्वरूप। अब ये अचानक मीडिया की सुर्खियां क्यों बनी, उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि शुभांगी स्वरूप है कौन। दरअसल शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं, जो उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली हैं। शुभांगी पिता को नौसेना की गर्मामयी पोशाक में देखते हुए बड़ी हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने शुरू से ही ये ठान लिया कि वो भारतीय नौसेना में रहकर भारत की सेवा करेंगी। जिसके तहत शुभांगी ने वर्ष 2010 में डीएवी स्कूल में 10वीं की पढ़ाई की और विज्ञान विषय के साथ 12वीं करने के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। बीटेक करने के दौरान ही उन्होंने सशक्त सेना में जाने का मन बना लिया था और एमटेक में प्रवेश के बाद एसएसबी की परीक्षा पास करके वो अपने सपने को साकार करने के रास्ते पर आगे बढ़ गईं। लगभग 2 साल पहले सब लेफ्टिनेंट के रूप में शुभांगी को चुना गया और ट्रेनिंग के बाद पायलट के तौर पर उनका चयन हुआ। हैदराबाद में पायलट की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शुभांगी को हाल ही में कोची में नौसेना की ऑपरेशंस ड्यूटी में शामिल किया गया है और वो फिक्स्ड विंग डोर्नियर 228 टू ही विमान उड़ाएंगे। और यही वो खास कारण है जो उनको मीडिया की सुर्खियों तक खींच लाया है। आपको बता दें कि शुभांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं। अब बात कर लेते हैं फिक्स्ड विंग डोर्नियर 228 टू ही विमान की। तो कम दूरी के समुद्री मिशन पर भेजे जाने वाले इस विमान को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है और ये सर्विलांस, रडार, नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर की आधुनिक प्रणालियों से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ न्यूज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।